नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। और इस समय मैं खोड़ा में खड़ा हुआ हूं, खोड़ा कॉलोनी में। और आप देख सकते हैं यहां एक सिलेंडर फटने के बाद ये मामला सामने आया है, ये घटना घटी है। और यहां पर मौजूद हैं काफ़ी लोग और आप साफ देख सकते हैं कि इतना भयावह ये ब्लास्ट एक के तरह हुआ है, सिलेंडर फटा है और कई लोग यहाँ पर घायल भी होने की बात आई सामने। और देख आप साफ देख सकते हैं कि कहाँ तक इसकी जो मार गई है और सिलेंडर फटने के बाद हताहत हुआ है। इस तरह से एक पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद भी हैं और बात करते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनके, उनसे पता करते हैं कि पूरा आखिर क्या मामला था। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल नाम है जी। आप कौन हैं इनके? मैं फुपेरा भाई हूँ उनका। तो ये कैसे हुआ और कब हुआ? ये लीक हुआ होगा, सिलेंडर आज का ही है वैसे। ये सिलेंडर तो रखे हुए हो गए इसे 10-15 दिन। तो उस समय खाना बन रहा था क्या? नहीं, खाना तो किचन है इधर, मैं किचन में खाना बना रहा हूँ। ये बाथरूम का है। अच्छा, जो फटा है बाथरूम वाला फटा है। तो ये बाथरूम में ऊपर रखा हुआ था? हाँ, ऊपर रखा हुआ दो छत्ती पे। हाँ। तो फिर जब ये मामला सामने आया, आग लगी और ब्लास्ट हुआ, तो इससे पहले कुछ जलाया था या खाली चैम्बर बना था इसमें? मतलब सीधे चैम्बर ही बना है इसमें और नहीं बना। ये यूज में नहीं था? नहीं, यूज में नहीं था। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन? एक तो दो तो मियाँ बीबी हुए हैं, एक साला हुआ है, एक कोई और था यहाँ का मिलने वाला, वो आया होगा। हाँ। अब वो लोग कहाँ पर हैं? वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है। आप लोग नहीं गए वहाँ? मैं अभी इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। अब साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर फटा है, सिलेंडर फटने के बाद आप देख सकते हैं कितना भयंकर मंजर है। यहाँ सामने विंडू, खिड़की और ये सब कुछ निकल कर एक साथ हो गया है। और तो और जो मजबूत सीमेंट की बनी ही दीवारें होती हैं, वो दीवार भी जर्जर हो गई हैं, एकदम गिर गई हैं। आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप दिखाइए ये जो बीम पड़ा हुआ है, सीमेंटेड सरिया और सीमेंट का पड़ा हुआ है, उस ब्लास्ट के रहते जब ब्लास्ट हुआ है तो वो नीचे गिर के एकदम धराशायी हो गया है। अब ऐसे भयानक हादसे में तो साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों के चोट लगी है बहुत ही गंभीर और काफ़ी अच्छी चोट लगी है। कैमरामैन अनीस के साथ सत्येंद्र शर्मा, एक्सपोज इंडिया, खोड़ा।